नमस्कार इंडिया टाइम, आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बढ़िया। दो बच्चों की मां प्रेमी संग हुई फोर की कहते हैं कि पति पत्नी का पवित्र रिश्ता होता है। जब वह स्वार्थ के लिए रिश्ता तोड़ता है तो इंसान टूट जाता है, वहीं इंसान उसे ढूंढता रहता है। उसी याद में शान खान आस लगाकर अपनी पत्नी और बच्चे की कर रहे हैं अब बात। उत्तर प्रदेश बलिया जनपद के शहर कोतवाली के बिश्नपुर का मामला सामने आया, जहां शान खान पुलिस के थाने का चक्कर लगाकर परेशान है, मगर इन्हें कोई इंसाफ नहीं मिला है, सिर्फ आश्वासन। क्या नाम है? शान खान। शान खान जी, कब शादी हुई थी आपकी? 14 साल हो गया। 14 साल। कहाँ के रहने वाले हैं? बलिया। तो बलिया क्या करते हैं आप? ताले का। यहाँ ताले का कारोबार करते हैं। फेरी से करते हैं। आपकी बीवी यहाँ से कब भागी? 1 साल 1 महीना हो गया। आपने कब पुलिस में तहरीर दी थी? 3-4 दिन बाद दी थी। बीबी क्या क्या लेकर भागी है? बीबी 35,000 रुपया, 40,000 रुपये की चीज और 3-4 बैग कपड़े और मुंडे। बच्चों की उम्र क्या होगी जिन बच्चों को लेकर गई है? 13 साल की लड़की है, 11 साल का लड़का है। अब क्या कह रही है, बात होती है बीबी से? नहीं, बीबी से ना बच्चों से। कभी फोन से बात नहीं हुई? बात हुई है, 2-3 बार हुई है, मगर वो आने को तैयार नहीं है। दूसरे लड़के से शादी। नाबालिग बच्चों को देने की भी बात नहीं कर रही है? नहीं नहीं नहीं, नहीं। आप प्रयास कर रहे हैं? हाँ, प्रयास बहुत। लड़की तो कहाँ की रहने वाली थी? अलीगढ़। और आप भी अलीगढ़ से? जी। इस समय लड़की कहाँ है? अपने टाइम बरेली गई हुई है, पता नहीं कहाँ पर है। आपको मालूम नहीं है? आज भी आप अपनी बीबी को पाना चाहते हैं? हाँ, पाना चाहते हैं। आपके पास आने को तैयार नहीं? जी जी जी, मैं सर अलीगढ़ का रहने वाला हूँ। यहाँ ताले का काम फेरी से करता हूँ और मेरी बीवी 1 साल 1 महीना हो गया भागे हुए, और उसको अभी तक पुलिस प्रशासन के पास गया हूँ, आश्वासन के अलावा मुझे अभी तक कुछ नहीं है। मैं अपनी बीवी बच्चों को पाना चाहता हूँ। बजिल के लड़के से शादी कर लिया है उसने, वो आना नहीं चाह रहे। तो नहीं तो क्या क्या धमकी भी देती है? हाँ, धमकी देती है कि मैं मरवा देती हूँ, करवा देती हूँ, कुछ भी करवा देती हूँ। आपके पास रिकॉर्डिंग है? आपके बच्चों से बात हुई कि नहीं? बच्चों से तो एक बार बात हुई है, मगर आप बिल्कुल 6 महीने से बात। बच्चे क्या कहते हैं? बच्चे कहते हैं, बच्चे माँ के पास है तो माँ के कहेंगे, बाप के पास आएंगे, बच्चे कहते हैं कि भाई हमारी क्या सोचा। बच्चे आने को तैयार हैं? आएंगे तो वो यहाँ पे जो फैसला होगा वो होगा। आप बीवी को पाना चाहते हैं? प्रशासन का रुख क्या है आपके प्रति? प्रशासन आसमान सब देता है, बस और क्या। 1 साल तहरीर दिए हुए हुआ, लेकिन हुआ कुछ नहीं।